हम इसका ट्रायल ले रहे हैं कि क्योंकि कस्टमर का कंप्लेन है कि भगाने पे थोड़ा हमिंग साउंड जैसा आता है, तो हम ट्रायल लेते हैं, आपको सुनाते हैं, आप गौर से सुनिएगा, आपको आवाज सुनाई देगा। देखिए तो हम इसको गैरेज पे लेके जाएंगे और गैरेज पे ले जाके चेक करते हैं ये हमिंग साउंड किस कारण से आ रहा है। सबसे पहले तो हम चारों व्हील बेयरिंग चेक करेंगे, अगर व्हील बेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इसका डिफरेंशियल का जो आयल आता है उसको चेक करेंगे एक बार। आज आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास महिंद्रा कंपनी की वेरिटो गाड़ी फुल इलेक्ट्रॉनिक कार आई हुई है। उसमें इसमें कस्टमर का कंप्लेंट क्या है, जब 70-80 की स्पीड में गाड़ी जब जाती है उसमें अगर सब थोड़ा सा हल्का साउंड आता है, तो देख सकते हैं फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको नीचे का ये कवर खोलना पड़ेगा, इंजन कवर। ठीक है, इंजन कवर खोलने के बाद ये देखिए, ये नीचे देखिए, ये जो है ये ड्रेन का लोकेशन है, ये इसका नट है। देखिए माइनस का दिया है, माइनस के स्क्रूड्राइवर से, बड़े स्क्रूड्राइवर से, किसी से भी माइनस के इसे ओपन करिएगा। ये आपका ड्रेन का लोकेशन है। ठीक है, और आपको टॉप अप करना है तो टॉप अप का देखिए, इसके जस्ट ऊपर, ये यहाँ से इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो देखिए आपको ये टॉप अप करने के लिए दिया है। यहाँ से आपको गियर ऑयल डालना है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रेन करना है नीचे से और ऊपर से टॉप अप करना है। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको कभी भी गियर ऑयल इसका रिप्लेस करना पड़ेगा तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से आप ड्रेन कर दीजिएगा और ऊपर से आप टॉप अप कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में सेम बोल दिया है माइनस का। फ्रेंड हम इसमें गियर ऑयल डाल रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें बहुत बारीकी होल है जिधर से डालने का। देखिए तो हमने वाइपर का पाइप बनाया है तो बिस्लेरी के बॉटल के काट के ढक्कन में लगा के, क्योंकि उसका होल जो है बहुत बारीक है तो मोटा पाइप हमारे पास है उसके अंदर जा नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह बना के इसमें डालेंगे। देखिए इस प्रकार से हम धीरे धीरे ऑयल डालेंगे इसमें। फ्रेंड इसका ऑयल पूरा ख़राब हो गया था, इसलिए हम इसका ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं। रनिंग में क्या होता था, जब ज़्यादा स्पीड में चलता था तो उसके अंदर थोड़ा अलग ही साउंड आता था, तो इसके लिए हमने इसका ऑयल खोला, ऑयल खोल के चेक किया तो पूरा एकदम काला हो गया है, तो इसके लिए हम इसका ऑयल रिप्लेस करेंगे। ऑयल रिप्लेस करके एक बार ट्रेड ड्राइव लेके चेक करेंगे। ये हमारा ऑयल डालकर हो चुका है फ्रेंड, इसमें टोटल ऑयल कितना जाता है वो हम आपको बताएंगे। इसमें टोटल फ्रेंड 650 ml ऑयल जाता है, इस बात को याद कीजिएगा। ठीक है, 650 से ज़्यादा भी नहीं, 650 से कम भी नहीं, टोटल 650 ml इसमें ऑयल डालिएगा। क्या है, इसका छोटा सा इतना सा डिफरेंशियल दिया जाता है, वो सिर्फ जो एक्सल आपका है उसको मूवमेंट के लिए देता है। ठीक है, इसके लिए इसमें टोटल 650 ml ऑयल जाता है। हम आपको छोटा सा डिफरेंशियल दिखाते हैं, सिर्फ दोनों साइड का जो एक्सेल है अपना टायर को मूवमेंट करने के लिए, उसके लिए वो डिफरेंशियल अलग से दिया गया है। देख सकते हैं इसका जूना आला ऑयल है, ये देखिए पूरा एकदम काला भी हो गया है, एकदम पतला भी हो गया है पानी जैसे, देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा ऑयल डालकर पूरा हो गया है। अब हम नीचे का पतरा लगाएंगे, नीचे का पतरा लगा के टायर लगा के और सर इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। टेस्ट ड्राइव लेके हम देखेंगे कि जो हमारा साउंड का कंप्लेन था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। मेरा जी पतरा लग गया, ठीक है मैटिंग बाहर निकाल लीजिए। तो फ्रेंड हमने इसका नीचे का जो इंजन कवर खोला था वो भी लगा दिया है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का हमारा जो टायर खोला था वो भी हमने लगा दिया है। अब इसे डाउन कर रहे हैं, डाउन करके फिर इसको एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे। हम थोड़ा हाईवे पे जाएंगे और 80 के ऊपर भगा के देखेंगे
कि जो हमारा हल्का सा साउंड था वो बंद हुआ है कि नहीं। फ्रेंड हमें गाड़ी अब टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकल रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके निकले हैं, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड, हमने इसका डिफरेंशियल का जो ऑयल आता है उसे रिप्लेस किया है क्योंकि इसमें हमिंग साउंड आ रहा था भगाने पे, तो इसके लिए हमने उसका ऑयल रिप्लेस करके और एक बार लिख लिया क्योंकि हमने व्हील बेयरिंग चारों चेक किया तो व्हील बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका ऑयल जो है वो पूरा पतला हो गया था और काला हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप सुन सकते हैं इसका साउंड। अभी हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। देख सकते फ्रेंड अभी इस गाड़ी में कोई भी साउंड नहीं है। फ्रेंड हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं। जो हमारा जो हमने आपको बताया था कि 80 के ऊपर जब भगाएंगे तो थोड़ा साउंड आता था, वो हमारा साउंड वाउंड सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसका डिफरेंशियल का ऑयल रिप्लेस किया है, इसमें बस इतना ही काम किया है जो हमिंग साउंड आ रहा था उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।